हेलो। हेलो हाँ, आवाज आ रहा है ना? ठीक है, शुरू करते हैं। कल जो क्वेश्चंस करने दिया था उसमें से प्रैक्टिस किया है, करके देखा था, हुआ था कुछ? ये वाला क्वेश्चन को करके देखा है, कौन सा आंसर आएगा? यहाँ पे आपको एरो का डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये होगा, ठीक है? ये एरो का डायरेक्शन है, इस तरफ से आप ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है ना? उसके बाद आपको व्यू बनाना है कि इसका शेप कैसे बनेगा। कौन सा ऑप्शन बना आपका? कोई ट्राई किया है? ठीक है, अगर नहीं किया उनसे देख लो एक बार। ये ऑब्जेक्ट को अगर आप इस तरफ से देखने से है, कुछ कुछ सरफेसेस विजिबल होगा और कुछ कुछ सरफेसेस विजिबल नहीं होगा, ठीक है? कौन सा सरफेस विजिबल होगा? देखो, ये सरफेस आपको देखा देगा, ठीक है? उसके बाद आपको ये वाला सरफेस देखा देगा, है ना? ये सरफेस इस तरफ से आप देखने से ये सब सरफेस दिखा देगा, और नीचे का ये वाला सरफेस भी दिखा देगा, विजिबल होगा। और ऐसा कुछ एल शेप का सरफेस आपको दिखाई देगा, विजिबल होगा। समझ में आ रहा है? ये सरफेस कोई ड्रॉ कर रहा है क्या? हाँ, ये वाला समझ में आया, ये सर्विस कैसे विजिबल हुआ? नाउ फ्रंट से देखने से आपको ये एक रेक्टेंगल दिखा देगा। कौन सा रेक्टेंगल? ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है ना? ये वाला रेक्टेंगल, और इसके ऊपर में और रेक्टेंगल दिखा देगा, ये वाला रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, एंड देन उसके बाद राइट साइड में ये वाला रेक्टेंगल एल शेप का कुछ दिखा देगा, ठीक है? सो इसका शेप कैसे बनेगा? ये वाला रेक्टेंगल शेप को बना रहा है। ये वाला रेक्टेंगल का शेप कैसे बनेगा? एक इस तरह से एक रेक्टेंगल बनेगा, एंड देन इसका अबव, इसका ऊपर में आपको एक रेक्टेंगल दिखा देगा। कौन सा वाला? ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है? सो ये वाला रेक्टेंगल इसका अबव में आ जाएगा, इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है? उसके बाद आपका दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सरफेस कैसे दिखाई दे रहा? ये वाला सरफेस आप इस तरफ से देखने से विजिबल कैसे नहीं हुआ, है ना? ये भी तो सरफेस है, ये विजिबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप इस तरफ से देखने से ये लाइन, ये सरफेस एंड देन पीछे का ये लाइन, सभी एक लाइन हो गया, ठीक है? ये लाइन, ये वाला मिडिल वाला सरफेस एंड देन ये वाला फर्स्ट वाला लाइन, सब मिलके एक लाइन बन गया। कौन सा लाइन? यहाँ पे देखना, ये वाला जो लाइन दिखा दे रहा है ना, वो लाइन कौन सा है? ये लाइन के लिए भी है, ये वाला लाइन, रेड रेड डॉट जहां पे घूम रहा है वो वाला लाइन, एंड देन पीछे का ये वाला लाइन एंड देन ये वाला सरफेस, तीनों मिलके वो एक ही लाइन बन गया, ठीक है? तीनों मिलके वो एक ही लाइन बन गया। सो उसके बाद ये वाला सरफेस, ये जो उल्टा एल का जो शेप दिखा दे रहा है आपको, ये वाला एल शेप कैसे नहीं आया? क्योंकि आप फ्रंट से देखने से ये पूरा सरफेस आपको एक लाइन जैसा दिखा देगा, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन दिखा देगा, ठीक है ना? सो ये लाइन एंड देन ये पूरा इंटायर सरफेस, कौन सा? ये वाला लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ग्रीन वाला लाइन, और ये रेड वाला लाइन एंड देन ये उल्टा एल शेप में जो जा रहा है ये सरफेस, ये तीनों मिलके क्या बनेगा? एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा। कौन सा वाला? यहाँ पे ये वाला लाइन, ठीक है ना? ये जो स्ट्रेट लाइन जो दिखाई दे रहा है वो तीनों का कंबाइंड है, ठीक है? ये आधा जो लाइन दिखाई दे रहा है वो कौन सा वाला लाइन हो गया? ये वाला लाइन, ठीक है ना? उसके बाद इसका नीचे जो लाइन दिखाई दे रहा है वो कौन सा हो गया? ये वाला लाइन, ठीक है? यहाँ तक कुछ
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद एल शेप जो बन रहा है, यहाँ पे देखना, ये एल शेप जो बन रहा है, इस तरह से एल शेप बन रहा है, उसमें से एल शेप का ये जो ये वाला लाइन, ठीक है ना, ये वाला लाइन मतलब यहाँ पे ये वाला लाइन, ये लाइन को ही हमने पहले बना दिया था, ये पूरा सरफेस और ये तीनों लाइन मिलके ये लाइन बन रहा था, ये वाला लाइन। सो ये लाइन एंड देन ये वाला लाइन दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों साथ में। सो हम लोग को क्या करना होगा, एक साथ में कंबाइन करके बनाना होगा। सो ये लाइन बन गया, एंड देन उसके बाद ये इस तरह से एल शेप में बनेंगे। सो इसका फ्रंट, इसका जो एरो डायरेक्शन से जो व्यू निकालने के लिए बोला गया, उसका शेप ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखना कौन सा वाला होगा, कौन सा वाला होगा, ऑप्शन ऑप्शन सी, ठीक है, ये था ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड देन ऑप्शन डी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। कुछ डाउट है यहाँ पे, सबको समझ में आया है? समझ में आ गया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, यहाँ में क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था आप लोग को, दिया था क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी, आइडेंटिफाई द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोला था, ठीक है, आइडेंटिफाई द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या क्या होता है, कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड देन फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो कौन सा एंगल प्रोजेक्शन है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, कौन सा एंगल प्रोजेक्शन होगा, कौन सा एंगल प्रोजेक्शन होगा, किसी को कुछ आइडिया, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, आवाज आ रहा है कि नहीं, आवाज आ रहा है, कौन कौन सा एंगल प्रोजेक्शन होगा, कुछ आइडिया, अगर आइडिया नहीं है तो आप इलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये चार एंगल प्रोजेक्शन किया था, इस तरह से किसी दो वर्टिकल लाइन, सॉरी किसी दो प्लेन को, है ना, कौन सा प्लेन को, वर्टिकल प्लेन एंड होराइजेंटल प्लेन, कौन सा प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड होराइजेंटल प्लेन को जब एग्जैक्टली 90 डिग्री में आपस में इंटरसेक्ट किया, देन दिस प्रोसेस ने क्या किया था, होल स्पेस को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ये वाला हो गया फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड एंड देन ये हो गया फोर्थ, ठीक है ना। सो हमने फ्रंट व्यू, उसके बाद हमको क्या करना था कि फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बनाना था, ठीक है ना। सो फ्रंट व्यू हमने वीपी में बनाया, कौन सा प्लेन में, वीपी में बनाया, ये वाला वीपी, ठीक है, ये हो गया वीपी, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू को यहाँ पे वीपी में बनाया, एंड देन टॉप व्यू को यहाँ पे ये एचपी में बनाया, एंड देन उसके बाद हम लोग को क्या करना था, हमेशा एचपी को, किसको, एचपी को रोटेट करना था 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री क्लॉक वाइज, 90 डिग्री क्या, क्लॉक वाइज, आपका वॉच जिस तरफ मूव करता है इस तरफ आपको रोटेट करना था। सो रोटेट करने के बाद वीपी ऊपर में रह गया और एचपी नीचे चला गया, सो इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या हो गया, इस तरह से ये लाइन, ये वाला पॉइंट है ना। सो ऊपर में वीपी और नीचे में एचपी इन केस ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, बट इन केस ऑफ सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में क्या था, वीपी को हमने
अब फ्रंट व्यू को हमने वीपी में बना दिया, ये हो गया मान लो वीपी, ठीक है ना। वीपी में हमने फ्रंट व्यू को बना दिया, उसके बाद टॉप को एचपी में बनाया। टॉप को कहाँ पे बनाया? टॉप को कहाँ पे बनाया? एचपी में बनाया। और एचपी में बनाने के बाद ये प्लेन को कैसे करना था? रोटेट करना था। ये प्लेन को एचपी को रोटेट करना था कैसे? क्लॉकवाइज 90 डिग्री। जब हमने क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया तो ये वीपी, ये एचपी, वीपी नहीं एचपी, ये एचपी कहाँ पे चला गया? ऊपर चला गया। मतलब वीपी जहां पे है वहां पे ओवरलैप हो गया। समझ में आ रहा है ना? हो यहाँ पे देखो, पहले से वीपी यहाँ में था है ना, उसके बाद उसका ऊपर में एचपी आ गया ना, इसका ऊपर में ऐसा ओवरलैप हो चुका है। सो नाउ ये हो गया एक्स वाई लाइन, और वही में इसका ऊपर में वीपी भी यही में है और एचपी भी यही में है। सो फ्रंट व्यू भी यही में बनेगा और टॉप भी यही में बनेगा। सो टॉप का ऊपर में फ्रंट बन गया तो आपका व्यू क्लियर नहीं होगा, इसीलिए हम लोग क्या करता है, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन को यूज नहीं करता, ठीक है। सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन को यूज नहीं करता है। वैसा ही सेम प्रोसेस फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन के लिए भी है। यहाँ पे देख रहा होगा एचपी, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन के लिए ये हो गया वीपी और ये हो गया एचपी। व्यूज बनाने के बाद एचपी को हमने रोटेट किया तो दोनों प्लेन नीचे में आ रहा है। कहाँ पे? इन फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, इन फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, ये एक्स वाई, एचपी भी यहाँ पे आ रहा है और वीपी भी नीचे में आ रहा है। सो फ्रंट एंड टॉप व्यू दोनों क्या होगा? नीचे में आएगा, जिसके कारण से ओवरलैप होकर आपका व्यू क्लियर नहीं होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन कभी नहीं लेता है। सो फोर्थ एंगल, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट हो सकता है या फिर थर्ड, कौन सा हो सकता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे आपको इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमने क्या किया था? तो पहले किया था ये कौन सा प्लेन, वीपी, और ये कौन सा एचपी। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया थर्ड। और हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। सो इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन देखो, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है? ये वाला है ना, देखने ये वाला है, मतलब इस तरह से है। ये हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप 3D में बनाने से ऐसा कुछ बनेगा, ये कौन सा प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन और ये एचपी। सो हमने फ्रंट व्यू को यहाँ पे बना दिया और टॉप व्यू को यहाँ पे बना दिया। बनाने के बाद हमने क्या कहता है, रोटेट किया था है ना, रोटेट किया था। रोटेट करने के बाद क्या हो गया? रोटेट करने के बाद जाके इस तरह से ऐसा कुछ हो गया, ये ऊपर में फ्रंट व्यू कहाँ पे बन गया? वीपी में। और नीचे में क्या बना, कौन सा व्यू बना? टॉप व्यू, वो कहाँ पे बना? एचपी में बना, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि साइड व्यूज कहाँ पे बनेगा? साइड व्यू कहाँ पे बनेगा? हमेशा फ्रंट का लेफ्ट या फिर राइट में बनेगा, है ना, फ्रंट का लेफ्ट या फिर राइट में बनेगा। तो आपको आइडिया मिल रहा होगा कि फ्रंट और साइड व्यू जो है यहाँ पे बन सकता है या फिर इधर बन सकता है साइड व्यू, ठीक है ना। तो अभी ऑप्शंस दिख रहा होगा, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कौन सा व्यू हो सकता है, जो डायग्राम दिया हुआ है उससे, उसका मुताबिक से कौन सा व्यू हो सकता है। एक डायग्राम यहाँ पे दिया है और एक डायग्राम यहाँ पे और एक डायग्राम यहाँ पे, इसको मैं जो लिखा है उसको इरेज कर रहा हूँ। अभी देखो कौन सा होगा, ये कौन सा एंगल प्रोजेक्शन होगा? फर्स्ट होगा ना, थर्ड होगा? थर्ड होगा, ये होगा, ये टॉप व्यू हो गया, आपको पता चल गया। ये होगा कौन सा हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया, और ये कौन सा हो गया, साइड व्यू हो गया। तो अभी आप बताओ कौन सा व्यू होगा, ये फ्रंट और साइड व्यू ऊपर में चला गया, मतलब कहाँ पे? वीपी ऊपर हो गया, टॉप नीचे चला गया, मतलब नीचे में कौन सा हो गया, एचपी हो गया। इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पोजिक्शन है। अभी कौन सा होगा बताओ? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चंस में आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा है ना, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमेशा साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन में आएगा। जब भी साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू
वर्टिकल प्लेन में आ जाए वो कौन सा एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा। किसी का ऑडियो आ रहा है बैकग्राउंड से, बंद कर लो। अनंत अनंत यहाँ पे सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? में समझ में आ गया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको किसी ने किया, ये वाला क्वेश्चन को किसी ने ट्राई किया? क्वेश्चन क्या बोला देखो, फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ अ पिरामिड। क्या है? फ्रंट और साइड व्यू ऑफ अ पिरामिड, एक पिरामिड का, और ड्रोन इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ किया हुआ है, कौन सा व्यू? फ्रंट एंड साइड व्यू। किसका? पिरामिड। पिरामिड आपको पता है पिरामिड किस तरह से होता है? पिरामिड का बहुत तरह तरह का होता है, इस तरह से ऐसा कुछ शेप बनता है ना, या फिर ऐसा भी होता है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, और क्या क्या पॉसिबल हो सकता है ऐसा कुछ करके, पेंटागोनल शेप में भी हो सकता है ना। सो पिरामिड्स बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन आपको पता है सिर्फ पिरामिड का एक इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है कि हमेशा साइड्स का जितना भी देख रहा है ना शेप हमेशा क्या होगा? ट्रायंगल शेप में होगा, ठीक है। साइड्स क्या होगा? हमेशा साइड्स का व्यू किसा होगा, साइड्स का शेप किसा होगा? हमेशा ये वाला साइड्स का शेप हमेशा क्या होगा? ट्रायंगल शेप में होगा। ये वाला साइड्स, ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में, और पीछे का भी ट्रायंगल में, ये साइड्स का भी ट्रायंगल में, सभी बेस का शेप जैसा भी हो लेकिन साइड्स का हमेशा क्या होगा? ट्रायंगल होगा। सो आपको आपका फ्रंट व्यू, एक फ्रंट व्यू, दोनों में से एक फ्रंट व्यू है ना, क्वेश्चन में किया इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फ्रंट एंड साइड, ठीक है। यहाँ पे साइड कौन सा साइड है वो मेंशन नहीं किया, तो आप यहाँ पे किसी भी साइड कंसीडर कर सकता है। सो मान लो ये फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू, अगर फ्रंट व्यू ये है, साइड व्यू ये है, मतलब फ्रंट व्यू में भी ये जितना दिख रहा है ना लेंथ जितना दिख रहा है उतना साइड व्यू में भी दिख रहा है, मतलब कौन सा हो जाएगा? स्क्वायर वाला हो जाएगा ना, है कि नहीं? साइड में भी, फ्रंट में भी इसका बेस का शेप और साइड से भी उसका बेस का शेप सेम दिखा दे रहा है, मतलब स्क्वायर हो जाएगा ना बेस वाला। आप इसको मान लो इसको फ्रंट मान लो और इसको साइड मान लो, फ्रंट से भी कितना दिखा दे रहा है? फ्रंट से भी इसका व्यू सेम दिख रहा है और साइड से भी दोनों का लेंथ सेम दिख रहा है, मतलब स्क्वायर शेप में हो जाएगा। सो टॉप से देखने से उसका शेप स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर सब में आ रहा है, यहाँ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन, इसको ऑप्शन ए कर लेते हैं, ऑप्शन ए, इसको ऑप्शन बी, इसको ऑप्शन सी, एंड देन इसको ऑप्शन डी रख लेते हैं। सो ऑप्शन सी तो कभी नहीं होगा, है ना? टॉप से देखेगा तो उसका शेप सी तो कभी नहीं होगा, ट्रायंगल तो कभी नहीं होगा। तरह पहले बता दिया कि रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में होगा। सो स्क्वायर चारों में है, ठीक है, हो सकता है कोई भी। लेकिन आप टॉप से जब देखेगा ना एक पिरामिड को, तरह पहले जो बनाया था पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड हमने जो बनाया था इस तरफ से, जब आप टॉप से देखेगा तो ये वाला सरफेस, टॉप से देखने से आपको ये सरफेस विजिबल होगा, ठीक है ना? ये वाला सरफेस क्या होगा? विजिबल होगा। ये वाला सरफेस, ये वाला लाइन, ये जो कॉर्नर का जो लाइन है ना, ये लाइन विजिबल होगा, और ये वाला लाइन भी विजिबल, ये वाला लाइन भी विजिबल, और पीछे का ये वाला लाइन भी विजिबल होगा, चारों विजिबल होगा, ठीक है ना? सो और ये सेंटर पॉइंट, जब भी स्क्वायर हो जाएगा ना, जब भी स्क्वायर हो जाएगा वो प्रिज्म, वो पिरामिड का सेंटर पॉइंट क्या होगा? हमेशा बीच में होगा, ठीक है। सो पॉइंट बीच में आएगा, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे लाइन जो है अच्छा से विजिबल नहीं है, ठीक है। सो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको टॉप से देखने से ये वाला लाइन दिखा देगा, है ना? सो लाइन जाना चाहिए यहाँ पे, सेंटर की तरफ में लाइन जाना चाहिए, सेंटर की तरफ में क्या होना चाहिए? लाइन जाना चाहिए। सो ये भी लाइन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रहा होगा, है ना? ऑप्शन डी में आपको ऐसा डॉट डॉट करके दिया हुआ है, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब आप टॉप से देखने से इसका लाइन विजिबल होगा, लाइन क्या होगा? क्लियरली आपको दिखाई देगा। सो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। किसका आवाज आ रहा है? आवाज बंद करके रखो।
यहाँ पे किसी को कुछ डाउट ये वाला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5? इसका आंसर जो ए होगा ना सर? हाँ, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा होगा बताओ, खुद से बताओ। ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, चल हम एक आपको एक इंडिकेशन दे देगा। ये वाला को फ्रंट मान लेना, ठीक है, इसको फ्रंट मान लो, टॉप एंड देन कुछ एंगल प्रोजेक्शन दिया है। वन ऑफ द सर्फेसिस ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मार्क्ड एक्स, विच नंबर इन वन ऑफ द व्यू शोज द सर्फेस एक्स इन द आइसोमेट्रिक व्यू। यहाँ पे कौन सा एंगल प्रोजेक्शन वो नहीं दिया है, इसलिए आप किसी को भी साइड मान लो, मान लो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होने से ये वाला साइड हो जाएगा, अगर आपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मान लिया होने से साइड ये वाला हो जाएगा। कौन सा होगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो एक्स दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, एक्स क्वेश्चन में ये वाला एक्स, एक्स मतलब ये वाला सरफेस को एक्स दिखा दिया और पूछ रहा है कि यहाँ पे व्यूज में जो नंबरिंग किया हुआ है, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर किया हुआ, कौन सा वाला है, नंबर वन है ये जो एक्स सरफेस जो दिख रहा है वो नंबर वन है या फिर नंबर टू है या फिर नंबर थ्री, नंबर फोर कौन सा है? बहुत सिंपल है, कौन सा है? नंबर टू। नंबर टू, बिल्कुल सही है, नंबर टू, ठीक है ना, नंबर टू। आप यहाँ पे देख रहा होगा ये नंबर वन जो दिख रहा है ना, नंबर वन, नंबर वन जो है कौन सा है, ये नंबर वन जो दिख रहा है, नंबर वन सरफेस वो ये वाला सरफेस है, ठीक है, ये वाला सरफेस। और यहाँ पे नंबर थ्री जो दिखा दे रहा है ना, नंबर थ्री, नंबर थ्री ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला सरफेस है, ठीक है। उसके बाद नंबर फोर जो दिखा दे रहा है, नंबर फोर वो जो ये वाला लाइन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। सो बच्चा वाला ये सरफेस जो है, जब आप टॉप से देखने से, टॉप से देखने से ये वाला सरफेस दिखा देगा, लेकिन साइड से देखने से ये सरफेस जो है इतना हाइट का एक ऐसा कुछ शेप दिखा देगा, ठीक है ना। सो कौन सा हो जाएगा, नंबर टू, सो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करो, चल कौन सा होगा सर, कौन सा व्यू बताने है इसको? एरो का डायरेक्शन दिया हुआ, ठीक है, एरो का डायरेक्शन से आपको पहचानना होगा, एरो का डायरेक्शन, यहाँ पे एरो का डायरेक्शन दिया हुआ है, इस तरफ से देखने से, इस तरफ से देखने से कैसा व्यू होगा। आप इस तरफ में खड़ा है मान लो, और आपने यहाँ से देखा इसको, तो इसका व्यू किसे बनेगा? कौन सा व्यू बनेगा? पर ये तो कैसा बनेगा, ए बनना चाहिए था, ऑप्शन ए देख लो, ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ठीक है, ऑप्शन ए हो भी सकता है, ऑप्शन ए, किसी का ऑप्शन ए आ रहा है और किसी का कौन सा होगा ऑप्शन, किसी का ऑप्शन ए आ रहा है और किसी का ऑप्शन ए, और किसी का दूसरा नहीं आ रहा है। आप जो ऑप्शन ए जो बोलो ना, आप ये आप ऑप्शन ए जो बोलो ना, जो ऑप्शन ए बोलो ना, आप देखो, आप ये वाला लाइन को, ये वाला सरफेस को ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, एक मिनट, यहाँ में एक सरफेस दिखा दे रहा है, हाँ, ये वाला सरफेस भी है, ठीक है, आप इसको ध्यान, इसको भी ध्यान दो, अभी बताओ कौन सा होगा, नंबर बी, ना बी, ये वाला, ना ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये बिल्कुल सही, ठीक है, नंबर बी है, क्यों देखो, क्यों देखो, क्योंकि अब फ्रंट से देखने से आपको ये वाला सरफेस दिखा देगा, है ना, फर्स्ट में ये वाला सरफेस इंटायरली विजिबल होगा, क्लियरली विजिबल होगा, तो सब में ये है, सही है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है ये डैश लाइन का, ठीक है ना, कहीं में एक है, कहीं में दो है और कहीं में नहीं है। तो जो डैश लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये पीछे का सरफेस विजिबल है, ये वाला पीछे वाला सरफेस, और ये दोनों के बीच में अंदर में एक लाइन भी जा रहा है ना, ठीक है ना। तो वो वाला सरफेस के लिए इसी का स्ट्रेट में, ठीक है ना, ये कंटिन्यू जा रहा है, तो ये लाइन क्या होगा, कंटिन्यू जाएगा डैश डैश करके। उसके बाद और एक सरफेस है यहाँ पर, ये कुछ डिस्टेंस में, यहाँ पर यहाँ से कुछ डिस्टेंस में एक लाइन आपको दिखाई देगा, सो वो डैश लाइन ये वाला हो गया। सो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन को, इसको करो फटाफट। एरो का डायरेक्शन देखो कहां से दे रहा है, कौन सा होगा, क्या नंबर डी में? नंबर डी, किसी का नंबर डी आ रहा है, और नंबर सी किसी का आ रहा है? सर ये तो, हाँ चल कोशिश करके देखो। नंबर सी में तो सर मैच और मैरिट के नंबर है ना, डी हो सकता है ना, ठीक है। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी पीछे से देखने से, इसको पीछे से देखने से आपको अंदर में ऐसा लाइन भी गया हुआ ना, है कि नहीं, और इस तरह से ऐसा कुछ गया हुआ है ना पीछे में। तो आपको उस तरफ से देखने से आपको ये उल्टा एल शेप में दिखाई देगा, है ना, ये वाला। तो उल्टा नहीं, आपको सीधा एल दिखाई देगा, सब में एल है, वो सही है, ठीक है, एल सही है। उसके बाद आप पीछे से देखने से ये वाला सरफेस को दिखाई नहीं देगा, तो ये वाला सरफेस को आप डैश लाइन देना पड़ेगा, है ना। डैश लाइन कहाँ से देगा आपको, ये लाइन और ये सरफेस, ये लाइन एंड देन ये लाइन भी आपको विजिबल नहीं होगा। सो ये वाला लाइन से कुछ डिस्टेंस में आपको एक लाइन देना पड़ेगा, वो भी कैसे, ये लाइन, लेकिन आपको विजिबल नहीं होगा उस तरफ से, ये वाल ने पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ है ना। सो आपको डैश लाइन देना पड़ेगा, डैश यहाँ में दिया हुआ है, ठीक है, ये तो यहाँ में नहीं दिया, ये गलत हो गया, यहाँ में नहीं दिया है, ये दोनों बी और सी गलत होगा, क्योंकि ये कंटिन्यू लाइन दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला अभी जो डिस्कस किया था, ये वाला लाइन वो दिया हुआ कहाँ में दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ये वाला लाइन डैश लाइन, ठीक है ना, हिडन लाइन। सो इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। ये वाला जितना रिमेनिंग क्वेश्चन है, इसको आप खुद से प्रैक्टिस ट्राई कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताओ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ, और एक दो क्वेश्चन भेज देगा, उसको कोशिश कर लेना, ठीक है। आज के लिए इन्हें रखते हैं। यस सर, यस।